अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन हो और आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन बनना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे इस रेड बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद उसके बगल में इस घंटे को दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर। सो गाइस, आप देख सकते हो कि मेरे पास एक वीडियोकॉन का टीवी आया है। तो इस टीवी में प्रॉब्लम क्या है सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इस टीवी के साथ मैं क्या क्या करूँगा। और मैं आपको बता दूँ कि जो भी आपको इस टीवी के बारे में बताऊँगा तो हर एक टीवी के साथ मैं वैसा ही करता हूँ। जितने भी टीवी मेरे पास आता है सभी के साथ मैं वैसा ही करता हूँ। जैसे कि आज की इस वीडियो में गाइस आपको बताने जाऊँगा। तो चलिए सबसे पहले इस टीवी का फॉल्ट देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो ये है गाइस उसका एसी कॉर्ड, और आपको यहाँ पे लगा देता हूँ इसको। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे एलईडी ग्लो हो रहा है लेकिन ये स्टैंड बाय से रिलीज नहीं हो रहा है। तो पहले मैं बता दूँ कि ये टीवी पहले भी किसी टेक्नीशियन के पास रिपेयर हो चुका है, लेकिन गाइस कुछ दिन चलने के बाद फिर भी ये वैसा ही पहले जैसा ही हो गया है। तो इसको मैं रिपेयर करूँगा और उसके बाद मैं आपको सारे कुछ दिखाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे मुझे पता चला है कि बिना टीवी खोल के कि ये कैसे रिपेयर हो चुका है। तो सबसे पहले तो आप एक पता लगा सकते हो कि जो कस्टमर के पास पता लगा सकते हो कि ये मतलब कौन सी कंडीशन में है, किसी के पास पहले मतलब रिपेयर हुआ है कि नहीं। और कस्टमर आपके पास अगर नहीं बता रहा है तो आप कैसे पहचानोगे कि, देख सकते हो पीछे की तरफ आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। तो देख सकते हो गाइस इसका जो सारे सील है ये कटा हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि किस सिचुएशन में है टीवी। तो आप समझ गए होंगे कि ये टीवी पहले भी रिपेयर हो चुका है, और कस्टमर भी मुझे बता दिया है कि इस टीवी के साथ पहले भी ऐसा हुआ था लेकिन ये फिर से आ गया है वही कंडीशन में। तो गाइस सबसे पहले तो मैं ये रिस्ट बैंड को पहन लेता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है ये पहनना। और उसके बाद मैं हमको क्या करूँगा, तो पहले एक बार बता देता हूँ कि मैंने इसका जो बायोस है यानी कि फ्लैश फाइल वो मैंने कॉपी करके रख लिया हूँ पहले से ही। इसको फ्लैश भी करके देख लिया हूँ लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हुआ है। तो अब हम इसको खोल के देखेंगे और मैं आपको इसका मतलब तीसरा पार्ट बनाऊँगा, एकदम कंप्लीट इसको रिपेयर करके आपको दिखाऊँगा। तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ जल्दी से जल्दी। तो देख सकते हो मैं इसको ओपन कर लिया हूँ, जो मेरा जो लग के रखा था ये मैंने ओपन कर लिया हूँ। तो चलिए आप, और एक बात गाइस कि इस टीवी के अंदर में जो यूनिवर्सल कार्ड आता है वो भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा इसी टीवी के अंदर। तो चलिए जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। सो गाइस ओपन करने से पहले सबसे पहले आपको ये जो पट्टी है सबसे पहले इसको खोलना होगा, बाद में हम कोई दूसरा चीज़ देखेंगे। क्योंकि इसका जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम ये है गाइस, इसका जो कार्ड है उसी में ही है, कोई भी बैकलाइट में भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ ये जो कार्ड है कार्ड के अंदर ही दिक्कत है इसका। और एक बात गाइस इसका मॉडल नंबर भी आप देख सकते हो कि ये है एलईडी टीवी KM20HH07FTP, इसका मॉडल नंबर है, वीडियोकॉन का, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ जल्दी से जल्दी ताकि आपको वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। सो गाइस मैंने सारे स्क्रूज को खोल दिया हूँ, अब बारी आते हैं इसको बाहर निकालना। तो देख सकते हो इसको मैं इस तरह से बाहर निकल के ले आऊँगा ताकि हमें और भी बहुत ही आसान हो जाए। और उसके बाद गाइस इसको भी खोलना पड़ेगा, तो इसको भी मैं खोल लेता हूँ जल्दी से जल्दी। सो गाइस देख सकते हो कि ये खुल गया है और मैं इसको बाहर रख देता हूँ इसको ओपन करके ताकि हमें और भी आसान हो जाए इसको रिपेयर करना। तो देख सकते हो तो मैं इसको बाहर निकाल लिया हूँ और ये है गाइस हमारा कार्ड। तो सबसे पहले बात आते हैं गाइस कि इसको अच्छे से देख लेना है कि कहीं पे तो कुछ बार्न नहीं हुआ है, कोई भी कैपेसिटर तो फुला हुआ नहीं है। तो सारे कुछ आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद गाइस आपको कोई भी स्टेप लेना होगा। तो सबसे पहले मैं इसको चेक करूँगा और उसके बाद एक एक करके वोल्टेजेस चेक करूँगा कि कहाँ पे कितना वोल्टेज मिसिंग हो रहा है कि नहीं। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं। सो गाइस अब बारी आते हैं कि हमें वोल्टेज चेक करना। तो वोल्टेज चेक करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें मल्टीमीटर की ज़रूरत होगी। तो मैं इस मल्टीमीटर को सबसे पहले 750 वोल्ट पे रखता हूँ यहाँ पे, और डीसी वोल्ट पे 1000 डीसी वोल्ट पे रख रहा हूँ। और ये जो गाइस एसी कॉर्ड देख रहे हो तो इसको मैं यहाँ पे
लगा दिया हूँ। अब गाड़ी गाइस सबसे पहले जो मेन कैपेसिटर होता है पावर सप्लाई में, उस काम में वोल्टेज चेक कर लेना है कि ये 300 के वोल्टेज के आसपास आ रहा है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो गाइस 290 290 290 के आसपास वोल्टेज आ रहा है, यानी कि गाइस ये सही है बिल्कुल। अब हमें चेक करना है ये जो छोटे छोटे रेगुलेटर लगा हुआ है, वोल्टेज रेगुलेटर, वहाँ पे हमें वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा। इसको लिए आपको जो मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे आपको सेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा। तो चलिए आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो ये जो ब्लैक वाला प्रॉब है, मैं यहाँ पे गाइस ग्राउंडिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आउटपुट पे देख रहा हूँ कि वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। तो गाइस देख सकते हो कि हमें यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए था, लेकिन हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है, 0.1 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि गाइस ये एबनॉर्मल है, ठीक नहीं है। तो इसका जो इनपुट पिन है 3 नंबर पिन, तो उस इनपुट को पे भी देख लेता हूँ कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, 5 वोल्ट के आसपास आना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे भी हमें 1 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अब गाइस यहाँ पे एक देख सकते हो छोटा सा जो रेगुलेटर लगा हुआ है, वो भी आपको चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए, तो देख सकते हो गाइस कि 3.28 के आसपास आ रहा है, यानी कि सही है, ये वोल्टेज सही है। अब और एक लगा हुआ है, वहाँ पे हमें 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो देख सकते हो कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है हमें 1.8 वोल्ट। और इनपुट पे देख लेते हैं, तो गाइस इनपुट पे भी नहीं आ रहा है 1.8 वोल्ट, जिसकी कारण हमारा जो ATV है ये स्टैंड बाई से रिलीज नहीं हो रहा है। तो चलिए एक बार ये जो पावर बटन है इसको दबा के देख लेता हूँ। चलिए मैं दबा दिया हूँ, तो फिर एक बार चेक करता हूँ कि हमें वो वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। हालांकि मैं इसको पहले चेक नहीं किया हूँ, तो एक एक करके आपके सामने चेक कर रहा हूँ, फिर भी ये नहीं हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास तो रिमोट नहीं है इस TV का, कस्टमर केयर नहीं लेके आया है, तो हम इसको स्ट्रिप को खोलेंगे और जो पावर बटन का स्विच है उसको हम शॉर्ट कर देंगे, ताकि ये हमारा वोल्टेज बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ जल्दी से, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ थोड़ा सा। सो गाइस देख सकते हो कि मैं ये जो स्ट्रिप है, यानी कि ये जो पैनल का स्विच है, तो मैं इसको ओपन कर लिया हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे कि हमें यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए फिर से मैं ये वाला कॉर्ड को मैं इंसर्ट कर दूंगा यहाँ पे, और उसके बाद मैं इसको DC 20 वोल्ट पे सेट करूँगा मल्टीमीटर को, और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं आप लोगों के सामने लाइव, और उसके बाद बाकी का काम हम करेंगे। तो मल्टीमीटर को रखते हैं आपके सामने यहाँ पे, और उसके बाद हम करते हैं बाकी का काम। तो देख सकते हो गाइस हमें यहाँ पे 3.3 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि गाइस ए भी सही है। और यहाँ पे देख लेते हैं 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट। तो हमें यहाँ पे सब कुछ वोल्टेज ओके है, फिर भी हमारा जो स्टैंड बाई TV है रिलीज नहीं हो रहा है। तो इसका प्रॉब्लम है गाइस कि हमारा जो ट्रैक में ही कुछ गड़बड़ है, कुछ रजिस्टर वगैरह वो उड़ चुका होगा, जिसके कारण हमें इस तरह की प्रॉब्लम मिल रहा है। तो मेरा इस वीडियो को बनाना मकसद यही था कि आप लोगों को बता दूं कि हमें जब नया TV आता है उसके साथ क्या क्या करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि इसका जो बायोस है वो मैंने कॉपी करके मेरा अपने कंप्यूटर पे रख लिया हूँ, ताकि बाद में कोई सेम इसी तरह की TV आए तो मैं उसको रिपेयर कर पाऊँ। तो आई थिंक गाइस आपको समझ में आ चुका होगा और किस तरह से आपको वोल्टेज चेक करना होता है, तो मैं आपको बता दिया हूँ। तो बाकी का काम गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ कि इस TV को कैसे बनाता है, क्योंकि गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी डिटेल में बताऊँगा, एक एक चीज़ को एकदम ट्रैक करके बताऊंगा। यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, और क्या करने से हमें उस वोल्टेज को मिलेगा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और मैं बता देगा हूँ कि ये जो TV है कस्टमर का, इसको मैंने आपको उसको मैंने गारंटी दिया हूँ कि ये जो TV है मैं आपको किसी भी तरह से, किसी भी सिचुएशन में आ जाऊँ तो आपको ठीक करके ही दूंगा। तो वो मैं कैसे करूँगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो जुड़े रहिएगा इस मेरे साथ, और मेरे चैनल को अगर नहीं आए हो मेरे चैनल में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए गाइस। तो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।